नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। दांत निकल जाने पर नकली दांत लगाना यानी कॉर्टिकल इम्प्लांट काफी प्रचलित हो गया है। आइए जानते हैं BHU के डेंटल विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीलम मित्तल से कि क्या है कॉर्टिकल इम्प्लांट। जब दांत निकल जाते हैं या किसी कारणवश उनको निकाल दिया जाता है, उसके बाद नकली दांत जिनको बोलते हैं आर्टिफिशियल टीथ, उनको लगाने के लिए इम्प्लांट बहुत प्रचलित हो गया है। और कुछ ऐसे हड्डियां होती हैं जिसमें कि इम्प्लांट, जिसको कि एल्वियुलर इम्प्लांट बोलते हैं, आसानी से लग जाता है। पर कभी कभी वृद्धावस्था में जब सारे दांत निकल जाते हैं और हड्डी काफ़ी घुल जाती है या छोटी हो जाती है, तो इन इम्प्लांट से काम नहीं चलता है। और ऐसे में कॉर्टिकल इम्प्लांट लगाए जाते हैं जो कि हड्डी के अंदर कॉर्टिकल बोन होती है, उसके सपोर्ट से ये इम्प्लांट लगते हैं। इम्प्लांट जब अच्छी तरह से हड्डी में फिक्स हो जाते हैं, तब फिर इनको ऊपर डेंचर दे दिया जाता है, जिसका कि अंदर का सरफेस मेटल का होता है और उसके ऊपर एक्रेलिक या मेटल लगा देते हैं। और ये विधि भी काफ़ी समय से चल रही है और अभी हमारे यहाँ बनारस में ये पहली बार शुरू हुआ है। पहली बार ये यहाँ पे कार्यशाला की गई जिसमें इस विधि को बताया गया है और हमें उम्मीद है कि मरीजों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो अपने दांत इस विधि से लगवा पाएंगे। PCS परिणाम में सृजन IAS एकेडमी वाराणसी के छात्रों ने लहराया परचम। पिछले कई वर्षों में बनारस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हब बनता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रति वर्ष मिलने वाला परिणाम है। ये बातें लंका स्थित सृजन IAS एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव ने क्लाउन टाइम से एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। फरवरी 2019 में बिहार PCS और UP PCS के अंतिम परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें बिहार PCS से स्वप्निल और पुरुषोत्तम ने सफलता हासिल की है और UP PCS में दो छात्रों ने उच्च रैंक के साथ सफलता हासिल की है, जिसमें डॉक्टर रतुल गुप्ता ने 38वीं रैंक के साथ SDM पद प्राप्त किया और वहीं शुभम तोदी ने Deputy SP का पद हासिल किया है, जो हमारे संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जी, हम लोगों ने तीन बातों पर फोकस किया है। पहली चीज फैकल्टीज़ एक्सपर्ट्स जो हमारे यहाँ हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग मैटर प्रोवाइड करते हैं या क्वेश्चन बैंक्स वगैरह देते हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह चलाते हैं, वो बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुरूप होता है। और तीसरी चीज़ जो प्री मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का नेचर है, उस हिसाब से तैयारी को हम लोग मुकाम तक पहुँचाते हैं बच्चों को। तो ये खासियत है क्लास के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर। विभिन्न जिलों से छात्र इलाहाबाद में इकट्ठा होते थे और उनके सामने जो बहुत मुश्किल आती थी वो थी उनकी आर्थिक समस्याएं। इसी के उद्देश्य से हम लोगों ने डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव सर, जो स्वयं श्री राय सेटमेंट के निदेशक हैं, हम लोगों ने मिलकर इस उद्देश्य से एक स्तरीय संस्था वाराणसी में स्थापित करने के लिए सोचा। और प्रारंभिक स्तर से ही हम लोगों ने जिन बातों पर अपना मुख्य फोकस रखा हुआ था कि चूंकि बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा होती है उनके भविष्य की बात होती है, तो किसी भी स्तर पर उनके साथ नाइंसाफी न हो और उनको गुणवत्तापूर्ण और इस रूप में उनको शिक्षा दी जाए जिससे वो बोधगम्य शिक्षा हासिल कर सके। इस वक्त हमारे साथ हैं अतुल गुप्ता जी, जिनका 2016 के UP PCS के परीक्षा में SDM के पद पर चयन हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि अपनी सफलता का श्रेय ये किसे देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु गुप्ता को देना चाहूँ। और सबसे उच्च जो मेरा मानना है वह सृजन IAS एकेडमी लंका वाराणसी के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव सर और श्रीमन नारायण सर के व्यक्तिगत मार्गदर्शन से भी मुझे सफलता मिली है। मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ और मैं बनारस में प्रैक्टिस करता हूँ। उस प्रैक्टिस के दौरान मुझे ऐसा लगा कि अपनी और योग्यता का आगे बढ़ने के लिए और प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए मुझे एक गाइड कोचिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि सृजन IAS एकेडमी से बेहतर कोचिंग बनारस में दूसरी नहीं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों
मेरे देवी देवता व प्रमुख रूप से मेरी संस्थान सृजन आईएएस एकेडमी के निदेशक सुनील कुमार जी श्रीवास्तव व मेरी सफलता के सूत्र संचालक लोक प्रशासन के गुरु श्रीमन नारायण सिंह को देता हूँ। इनके योगदान के बिना, इनके अथक प्रयासों के बिना मेरी सफलता बिल्कुल अधूरी है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।